24 सितंबर 2021 आज जुमे का दिन है और अभी हम जा रहे हैं चांगशा में मौजूद एंट्री और एग्ज़िट ब्यूरो में। यहाँ पे जो है वो वीज़ा लगता है। यहाँ पे वीज़ा लगना है कि जो है वो हर सिटी की और हर प्रोविंस की अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब जिस सिटी में मैं लास्ट टाइम था उधर जो है वो 6 महीने का वीज़ा लगता था या 1 साल का वीज़ा लगता था, लेकिन यहाँ पर यह पॉलिसी है कि आपकी जो स्टडी का जो टाइम है, मतलब 3 साल की आपकी स्टडी है या 4 साल की है, तो उस हिसाब से आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो 2023 की फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो उस वजह से मेरा वीज़ा जो है वो 1 साल का लगेगा या 1.5 साल का लगेगा। और उसकी मुख्तलिफ जो है वो फ़ीस होती है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ये बस है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे जमा होंगे और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे। वो भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग अंदर बैठे भी हैं, मैं भी अभी अंदर जाता हूँ। यहाँ पे टीचर बैठी हुई है जो पासपोर्ट वगैरह दे रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह।你叫什么名字？科瓦吉。科瓦吉。好，坐吧。你也有护照？对。 ये पासपोर्ट मुझे मिल गया, अभी बैठेंगे यहाँ पे। दोस्तों फाइनली 45 मिनट के बाद जो है हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एंट्री एंड एग्जिट ब्यूरो जो है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। यहाँ पे मैं आप आपको दिखाऊंगा। तो अभी अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे मास्क जो है वो लाजमी है, मास्क पहन लिया है हमने। मुझे पता नहीं है कि अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं, देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। अभी अंदर आके बैठ गए हैं हम। असल में उन्होंने कोड चेक नहीं किया था बाहर, वो जस्ट बस वो फेस स्कैन हो रहा था, उसके बाद वो दरवाज़ा खुल रहा था। तो अभी यहाँ पे बैठे हैं हम, ये अभी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। हमें यहाँ पे सारे फॉरनर्स बैठे हैं, तकरीबन 30-35 फॉरनर्स हैं हम यहाँ पे आए हैं। और ये है इनका ऑफिस, यहाँ से वीज़ा लगता है। तो ये हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स और ये पासपोर्ट। तो अभी हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मतलब कि बारी बारी अंदर जाएंगे। तकरीबन एक बंदे को 3 से 5 मिनट लगते हैं क्योंकि अंदर वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वीज़ा ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, पासपोर्ट देखता है और कुछ डिटेल्स देखता है, उसके बाद फिर तस्वीर लेते हैं और फाइनली जो है वो रसीद देके मतलब के फिर बाहर आना पड़ता है। तो तस्वीर खिंचवाने के बाद जो है वो फिर से वेटिंग में आ गए हैं और ये हमको जो है वो टोकन मिल गया है, इस पर लिखा हुआ है I009 और यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है कि आप जो है वो इत्मीनान से बैठें, आपके आगे जो है वो 7 बंदे और हैं, जब आपकी टर्न आएगी तो आपको बताया जाएगा। तो बैठे हैं अभी और सामने स्क्रीन भी लगी हुई है, उसके में नंबर चल रहे हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8-10 मिनट के बाद बारी आ जाएगी। तो दोस्तों फाइनली जो है वो 3 घंटे के बाद हम वापसी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काम जो यहाँ पे होता है वो 5-10 मिनट का होता है, मैंने आपको बताया, लेकिन वो पूरे ग्रुप में आए हुए हैं तो फिर सबके लिए वेट करना पड़ता है, बारी बारी सब जाते हैं। तो अभी बस में जाएंगे वापसी, देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो है वो वीज़ा का क्या सीन है। अगर साल का वीज़ा लगता है आपका तो उसकी 400 फीस है, अगर साल से ऊपर है 2 साल तक तो उसकी जो है वो 800 है, 2 साल से ऊपर है तो फिर ये 1000 युआन तक आ जाता है। तो
यहाँ पे हमारा जो है वो पासपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो पूरे स्टडी टाइम के लिए जो है वो वीज़ा अरेंज करके देती है। तो अभी हमारे पास एक बंदा था, उसने अभी भी नया पासपोर्ट बनवाया है, तो उसका पूरा 4 साल का ही वीज़ा लगा है और उसने 1000 यूआन फीस पे की है, और हमारा जो है वो 1.5 साल के बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो हमारा 1.5 साल का ही वीज़ा लगा है, तो हमने तकरीबन 800 यूआन फीस पे की है। दोस्तों फाइनली जो है वो हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और अभी मैं जो है वो लंच के लिए जा रहा हूं कैंटीन खाना खाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो आज चाइना में जो है वो रेजिडेंट परमिट किस तरह लेते हैं उसके वाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी मज़ेदार वीडियो में, मैं अपने कैंपस के हवाले से कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।